श्री कृष्ण चतुर्दशी तिथि है, ये हनुमान जी का जन्म की तिथि है। तो सिद्ध श्री हनुमान धाम जी में श्री हनुमान जयंती महोत्सव हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अखंड श्री राम हनुमान जी का पाठ रखा गया था, तो श्री सुंदरकांड जी का पाठ 108 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। तो रात्रि को सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होने वाला है, तो सत्संग भी है, भंडारा का बहुत बड़ा आयोजन रखा गया है। तो हनुमान जी जो है यह चिरंजीवी है, अभी भी जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक हनुमान जी राम कथा का प्रचार प्रसार करेंगे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्रस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नवतराक्षा। जब जहाँ जहाँ श्री राम जी का गुणगान होता है, राम जी की कथा होती है, वह वह हनुमान जी राम कथा का श्रवण करने के लिए पहुँच जाते हैं और पूर्ण भाव से राम कथा का श्रवण करते हैं। हनुमान जी का नाम राम रसिया है, सदा राम नाम का स्मरण करते रहते हैं हनुमान जी। तो यह बड़ेल का या जो गाँव है यहाँ पे सिद्ध हनुमान जी का स्थान है, तो यहाँ पे हनुमान जी का यह स्थान 20 साल हो गए हैं। यहाँ पे हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं और यहाँ पे मनोतिया पूर्ण होती है। तो यह स्थान दक्षिणमुखी हनुमान जी होने के कारण हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं, सिद्ध हनुमान जी हैं। तो यहाँ पे सैकड़ों मनोतिया पूर्ण हुई है, कितने लोग आए, उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण हुई है। तो यहाँ पे अनेक अनेक अनुष्ठान होते आ रहे हैं गत वर्षों से। तो बड़े बड़े अनुष्ठान यहाँ पे सुंदरकांड के अखंड हनुमान चालीसा के अनुष्ठान, एक एक महीना तक अखंड हनुमान चालीसा का अनुष्ठान रखा गया है। तो यहाँ पे हम ये स्थान यहाँ पे अखंड ज्योतियाँ भी चल रही है, 4 ज्योतियाँ अखंड यहाँ पे प्रज्वलित है इस वक्त में। तो आने वाले समय 11 अखंड ज्योतियाँ प्रज्वलित होने वाली हैं। तो हनुमान जी का ये दिव्य दरबार है, साक्षात दरबार है, आप सभी आके हनुमान जी के दर्शन पाए, हनुमान जी का कृपा ग्रहण करें। श्री हनुमान जी महा हनुमान जयंती के पावन उत्सव पर ऐसे मन में भाव सद्भावना किए, देखो भाव है गोपाल सुनी आ रही है, करिएगा समर्पण करिएगा, एक संकल्प करिए अपने मन में कि कम से कम एक गोपालन की जिम्मेदारी अपने जीवन में मैंने लेनी है। हनुमान जयंती का पावन उत्सव है, हनुमान जी का जीवन बहुत कुछ सिखाता है मेरे भाई बहन। श्री हनुमान जी के जीवन से सेवादार का ऐसा संदेश मिलता है जैसा संसार में दूसरा प्राप्त होना दुर्लभ है। हनुमान जी के जीवन से ऐसे कार्य किए अपने जीवन में जो हमें राम भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। लंकड़ी से जब हनुमंत लाल जी का मिलन होता है तब लंकड़ी को ये शब्द प्रयोग करने पड़ते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिय तुलाए, जो सुख लव सत्संग। लंकड़ी कुछ क्षणों के जो पल आपके साथ बिताए, जो घड़ियां मैंने आपके साथ बिताई है वह मेरे जीवन की सबसे अनमोल घड़ियां है, क्योंकि सजनों का सानिध्य और हनुमान लाल जी के संग को प्राप्त करके लंकड़ी अपने मन के भावों को व्यक्त कर रही है। सजनों बिगड़ से बिगड़ परिस्थितियों में ये बात कहां से सीखने को मिलती है, एक और दृष्टांत ले समाज पर।
Yeah, we